एवरीवन, दिस इज रूपाली. आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट इन माय चैनल एसेंशन ट्विन फ्लेम सेलिब्रेसी, ट्विन फ्लेम ब्रह्मचर्य. आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव होने वाला है. ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सेक्सुअल इंटीमेसी क्या सिर्फ ट्विन फ्लेम के साथ ही होना चाहिए? क्या आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सेपरेशन पीरियड से गुजर रहे हैं? क्या होगा अगर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए? क्या सेलिब्रेट बने रहने से ट्विन फ्लेम जर्नी जल्दी कंप्लीट की जा सकती है? इन सभी क्वेश्चंस को कवर करेगा आज का मेरा वीडियो का टॉपिक. चलिए शुरू करते हैं. ट्विन फ्लेम सेलिब्रेसी या ट्विन फ्लेम ब्रह्मचर्य is a very personal decision that can speed up the process if used as a tool to spiritual development. और वहीं नादानी करके आप अपनी जर्नी स्लो डाउन भी कर सकते हैं. आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुने और आपको जो ठीक लगे वही करें. जानते हैं कैसे सेलिब्रेट रहने से आपको इस जर्नी में जल्दी सफलता मिलती है. अगर आप सिर्फ सेलिब्रेट रहकर ये सोचें कि आपको ट्विन आकर ज्वाइन कर लेंगे तो मेरा आंसर है नो. सिर्फ सेलिब्रेट रहकर और अपना इनर वर्क ना करके आप इस जर्नी को नेविगेट नहीं कर सकते. ब्रह्मचर्य पालन करना यहाँ इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर सकें. आपके चक्रास में सेक्रल चक्रा 6 के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, पर ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको क्राउन चक्रा तक कुंडलिनी एनर्जी राइज करनी होती है. तो ऐसे में अगर कोई 6 से ही फुर्सत नहीं पा रहा हो तो वो और ऊपर तक कैसे जा पाएगा. जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आप आते हैं, आपको पता लगता है कि वो पर्सन आपका ट्विन है. देन यू हैव वर्क टू डू बिफोर यू आर बोथ रेडी फॉर रीयूनियन. ऐसे में अगर दूसरा कोई रिलेशनशिप में आना काफ़ी एग्जॉस्टिंग हो जाता है, पर अगर आप ऑलरेडी अपने ट्विन फ्लेम के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में हैं, जैसे अगर आप अपने ट्विन से मैरिड हो या फिर ऐसे ही आपने अपने ट्विन के साथ रिलेशनशिप रखा, फिजिकल रिलेशनशिप कायम किया और आपका सेपरेशन पीरियड आ जाए, तो आप इसको उसी नॉर्मल रिलेशनशिप की तरह ही लें जिसमें दोनों लोगों की मैरिज होती है और फिर सेपरेट हो जाते हैं. आपने सही किया, गलत हुआ या सही हुआ आपसे, इसको सोचकर टाइम ख़राब ना करें, बल्कि ऐसे में आप अपने आप का जो आपका प्रेशियस टाइम है मेडिटेशन करके इस टाइम का यूटिलाइजेशन करें. ट्विन फ्लेम सेलिब्रेसी अडॉप्ट करने से ही आपकी माइंड फ्री रह सकेगी, आपकी एनर्जी लो नहीं जा सकती है. ट्विन फ्लेम जर्नी में कब आपको सेलिब्रेसी नहीं यूज़ करनी है ये भी एक काफ़ी डिफ़िकल्ट है आंसर करना, पर मेरे अकॉर्डिंग अगर आपकी एज अभी कम है और आप अपने सोलमेट हस्बैंड के साथ हैं तो यस, ऐसे में आपको सेलिब्रेसी मेंटेन करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब कर दें. बट इन माई ओपिनियन, if you too much distract in it will definitely slower your journey. आपकी सोल आपको गाइड करती रहती है कि क्या करना चाहिए. ऐसे में ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अवेकनिंग के 3 वेज होते हैं. वे 1, जब आप अपने ट्विन को जस्ट डेट ही कर रहे होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन आपकी अवेकनिंग हो जाएगी. वे 2, कुछ ट्विन फ्लेम्स की सोल अवेकनिंग उनके ट्विन फ्लेम से मिलने के पहले, जस्ट पहले से ही हो जाती है. जैसे आप 1-2 महीने, 2-4-6 महीने से पहले ही, ट्विन फ्लेम से अब तक मिले भी नहीं हो, उससे 2-4 महीने पहले से ही आपकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है. वे 3 और ज़्यादातर केसेस में ट्विन फ्लेम के साथ सेपरेशन जब होता है तभी ज़्यादातर केसेस में इस टाइप की अवेकनिंग होती है. सेपरेशन के बाद अवेकनिंग शुरू होती है. ट्विन फ्लेम अवेकनिंग के साथ ही साथ आपको 3D से 5D में जाना होता है, और ये तभी हो सकता है जब
आप 3D पर्सपेक्टिव से सोचना बंद कर दें, क्योंकि 5D यूनियन अचीव किए बगैर आप 3D में रीयूनाइट नहीं हो सकते, और 5D में सेक्स की कोई जगह नहीं होती। यू जस्ट बिलीव मी, वेन यू कम बैक टुगेदर, इट फील्स यू आर मीटिंग अ कम्प्लीट डिफरेंट पर्सन। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आते ही आपको सेक्स को लेकर अब तक जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था वो टोटली चेंज होने लगेगा। आप जानने लगते हैं, समझने लगते हैं कि सेक्स सिर्फ उसी से किया जा सकता है और किया जाना चाहिए जो आपके जैसा हाई लाइट एनर्जी वाइब्रेशन का हो, क्योंकि अगर आप हाई वाइब्रेशन में आ गए तो वैसे भी सेक्स प्रायोरिटी नहीं रह जाती। फिर भी अगर सेक्स इम्पॉर्टेंट लगे तो आपको आपके जैसे हाई वाइब्रेशन एनर्जी के साथ ही सेक्स करना चाहिए, नहीं तो आपकी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी लो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड ट्विन फ्लेम सेलिबेसी इज ओरिएंटेड बाय सेक्रेट सिक्योरिटी एंड इट इज नॉट लाइक फिडेलिटी और लॉयल्टी। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने ट्विन के साथ सेक्स नहीं करेंगे, दूसरे अपने हस्बैंड के साथ करेंगे तो ये आप उनके ट्विन के लिए लॉयल नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आने के बाद आपको सेक्स किसी और से करने का मन नहीं करेगा। वैसे भी आप इतने इवॉल्व होते हैं, धीरे धीरे जब आप इनर वर्क और मेडिटेशन और अपने हीलिंग करते जाते हैं, आप 5D टच करते जाते हैं, उसके बाद आपको इन सब चीज़ों से आपका मन उठने लगता है। अगर मैं अपनी बात करूं, आई एम 41 ईयर ओल्ड लेडी, मुझे अब इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और ट्विन फ्लेम जर्नी के बाद अगर हाँ, मैं मैरिड पर्सन हूँ, मैं मैरिड हूँ अपने हस्बैंड से, लेकिन अब वाकई में इन सब चीज़ों में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आने के बाद ही वैसे भी आप लोगों का इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में कम से कम होना चाहिए, कम होता भी जाता है। और अगर तब नहीं हो सकता अगर आप सिर्फ सेक्सुअलिटी से ही ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन आपकी अगर जैसे ही कुंडलिनी एनर्जी रेज होगी, आप चक्रास को हीलिंग कर रहे हैं, चक्रास आपकी बैलेंस हो रही है, और जैसे ही जैसे आपके चक्रास ऊपर उठने लगते हैं, आपकी एनर्जी ऊपर उठने लगेगी, आप क्राउन चक्रा तक टच करने लगेंगे, तब तो सेक्स का कोई जगह बसता ही नहीं है। एंड ट्विन फ्लेम सेलिबेसी इज रियली रियली एसेंशियल। कुछ ट्विन फ्लेम सेपरेशन के बाद इसलिए किसी और से सेक्स नहीं करना चाहते क्योंकि अब उनका दिल उस ओर नहीं जाता। मगर वहीं कुछ ऐसे ट्विन फ्लेम्स भी हैं जो सिर्फ ईगो के चलते किसी और के साथ जाना चाहते हैं। अगर ट्विन फ्लेम इग्नोर कर रहे हैं और वहीं आप कहीं और लव ढूंढने लगते हैं, इन दिस वे यू आर जस्ट ब्रशिंग अप योर ईगो। दिस इज एक्चुअली यूजलेस बिकॉज मेनी ऑफ दीज रिलेशनशिप्स दैट गिव यू इमोशनल सपोर्ट एंड टोटली सेक्स बेस्ड। किसी और की बाहों में प्यार ढूंढना, सिर्फ अपने ईगो के लिए दूसरे के पास जाना, वो क्या ट्रू लव है? वो सिर्फ सेक्स बेस्ड लव होता है। जैसे ही सेक्स बेस्ड लव क्या होता है, जैसे ही आप में उनको सेक्स दिखना बंद हुआ, आप अगर उनको सेक्सी लगना बंद हो गए, आपको तुरंत छोड़ देते हैं। तो ऐसे में हाँ, लेकिन मेरा उन बच्चों से जो अभी अभी जस्ट मैरिड हैं, उन बच्चियों से या उन लड़कियों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब ना करें, क्योंकि इसमें आपके हस्बैंड का कहाँ कोई गलती है। कोई गलती है क्या? नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके अगर 25, 30, 22, यू नो 35 ऐसी उम्र है अगर आपकी, तो आपके हस्बैंड की कहाँ कोई गलती है। ऐसे में आप सोच समझ कर सेक्स करें। ऐसा नहीं कि आप अपने हस्बैंड को इग्नोर करें, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। अपने हस्बैंड के साथ आप तभी, क्योंकि वो रिश्ता भी तो आपको निभाना है ना, वो रिश्ता भी निभाना है। एक टाइम के बाद, जैसे
आफ्टर 40 या 50 60 ऐसे भी मेरे बहुत सारे मेरे मुझसे सेशन लेते हैं, मेरे सोल सिस्टर्स हैं, सोल ब्रदर्स भी हैं जो ये एज तक, एक 40 अबव एज तक आ चुके हैं. मैं उनके लिए यही उनको सजेस्ट करती हूँ, एज पर योर ओन विश. अगर आपका दिल करे आप करें, ना दिल करे आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के साथ सेक्स ना करें. लेकिन जो बच्चे हैं, जो आजकल के जस्ट मैरिड हैं, 22-25 साल के, 30 साल तक के, मेरे लिए वो बच्चे ही हैं. अगर ऐसे हैं तो मैं उनको 100% यही एडवाइस करती हूँ कि बिल्कुल आप अपने आपको हाई वाइब्रेशन में ले जाएंगे, लेकिन सेक्स में इंडल्ज नहीं होना है. अब रोज़ अगर सेक्स करने लगे तो यू आर जस्ट डिस्ट्रैक्टिंग योर ओन जर्नी, योर ओन पाथ. तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब भी ना हो ये भी कोशिश ज़रूरी है आप लोगों को करना. दिस इज़ एक्चुअली यू यस. अब इसमें आप अपने माइंड को ये वैलिडेशन दे रहे होते हैं, अगर आप ऐसे सेक्स कर रहे होते हैं किसी के साथ, किसी और के साथ जा रहे हैं ईगो के चलते, इसमें आप क्या कर रहे हैं, अपने माइंड को वैलिडेशन दे रहे होते हैं कि आप सुंदर हो, सेक्सी हो और अट्रैक्टिव हो, और किसी को भी आप पा सकते हैं. ऐसे में आपके ट्विन आपको मिरर दिखाने का काम करते हैं, या तो वो भी मल्टी रिलेशनशिप में चले जाएंगे, नहीं तो यहाँ मैसेज होगा आपके लिए आपके ट्विन की ओर से, आपके ट्विन के हायर सेल्फ की ओर से, कि आपकी इसी ईगो माइंडसेट को हील करना चाहिए. सेलिबेसी मेंटेन करने से आप अपने को हायर लेवल तक ले जा पाएंगे, जबकि अगर आप सेक्सुअल पार्टनर के साथ बने रहें कुछ पार्टनर, जैसे आप लोग अगर डेट कर रहे हैं या सेक्सुअल, अगर कुछ कोई किसी के हस्बैंड भी इतने ज़्यादा सेक्सुअल होते हैं कि ऐसे में तो उनसे छूट पाना मुश्किल हो जाता है, कि वो लगे रहते हैं रात दिन, जब भी टाइम जब भी टाइम मिले, तो ऐसे में आपको वो डिस्ट्रैक्ट करेंगे और आप ना चाहते हुए भी इंडल्ज होते रहेंगे. ज़्यादा टाइम के लिए आप सेक्सुअलिटी में ही इंडल्ज रह जाएंगे, और जबकि यहाँ तो आगे बढ़ना है, अपनी एनर्जी रेज करनी है, राइट? तो सोच समझ कर आप चलें, अपने माइंड को यूज़ करें. ट्विन फ्लेम जर्नी में सेलिबेसी मेंटेन कर पाना आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल डिसीजन होता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ योर सेक्सुअल सिस्टम वर्क्स आफ्टर हीलिंग, क्योंकि हीलिंग करने के बाद अगर आप चक्रास हीलिंग कर रहे हैं तो सेकेंड चक्रास मतलब रूट चक्रा के बाद ही सेक्रल चक्रा आता है, जो कि हमारे सेक्स लाइफ के लिए, सेक्सुअलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अगर आपने अभी तक सेकेंड चक्रा को ही हील नहीं किया, कैसे आप पहुंच पाएंगे सिक्स चक्रा, थर्ड आई, कैसे आपकी पार्शियली भी ओपन नहीं हो पाएगी, कैसे आप टच कर पाएंगे क्राउन चक्रा, द ब्लिसफुल एक्सपीरियंस जहां पे आप ईश्वर को पा सकेंगे, कैसे आप पा सकेंगे अगर आप इंडल्ज हैं सेक्रल चक्रा में ही, सेकेंड चक्रा में ही, सेक्स में ही. हीलिंग करने के बाद अगर ट्विन फ्लेम के साथ सोल इंटीमेसी फील कर पा रहे हैं आप, सोल इंटीमेसी मैंने कहा, सेक्स इंटीमेसी नहीं, हीलिंग करने के बाद अगर आपकी जैसे ही आप हीलिंग करते हैं, आप 5D यूनियन अचीव करते हैं. 5D यूनियन में आपकी मर्जिंग होती है आपके सोल पार्टनर के साथ, आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपकी सोल मर्जिंग होती है. उससे अच्छा सेक्सुअल डिज़ायर या सेक्सुअल जो आप लोग फील करते हैं, सेक्सुअल अर्ज या सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, सोल मर्जिंग का जो एक्सपीरियंस होता है वो सेक्स अर्ज से भी काफ़ी ज़्यादा ब्लिसफुल, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट, काफ़ी ज़्यादा प्योर, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है. जो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन में जो आप लोग फील करते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा जब आपके ट्विन के साथ मर्जिंग होगी ना, इनर वर्क कंप्लीट करने के बाद, अपने आप को हील करने के बाद, जब आपकी ट्विन फ्लेम के साथ 5D में रीयूनियन होती है, तब जब सोल की इंटीमेसी होती है, एक सोल मर्ज जिसको कहते हैं, जो मेरा वीडियो आज से 2-3 दिन पहले ही था, अगर आपने देखा है ठीक है, अगर नहीं देखा प्लीज़ उसको समझिए, देखिए,
वो जो सोल मर्ज होता है, वो जो सोल की सोल से इंटीमेसी होती है, वो सेक्सुअल इंटीमेसी से काफ़ी ऊंची, काफ़ी हाई, काफ़ी खूबसूरत होती है। तो अगर आप इस मुकाम तक एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो आपको फिर सेक्सुअल इंटीमेसी की अब ज़रूरत नहीं। हीलिंग करने के बाद अगर ट्विन फ्लेम के साथ सोल इंटीमेसी फील कर पा रहे हैं और इमोशनली सेटिस्फाइड और कंटेंटेड हैं, तो जानिएगा आपने सच में अपना इनर वर्क पूरा कर लिया। सच में आपने अपना इनर वर्क पूरा कर लिया। और जब तक आप दोनों की सोल मर्ज 5D में रीयूनाइट नहीं हो जाती, 3D में फिजिकल प्लेन में इस अर्थ पे रीयूनियन पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए सेक्स करना है या नहीं करना है, अपने ट्विन फ्लेम के साथ भी या अपने किसी और पार्टनर के साथ भी, ये टोटली आपकी डिसीजन है। मैंने यहाँ पे उसी चीज़ को पॉइंट आउट किया, ये मेरा वीडियो इसी पर बेस्ड था कि क्या सही है क्या गलत। मैं आपको गाइड करने यहाँ पे आई हूँ कि ये इस तरह के ये सिचुएशन बनते हैं। अगर आप ज़्यादा इंडल्स रहेंगी सेक्सुअलिटी में तो यू आर यू नो टेकिंग योरसेल्फ डाउन टू द लोअर चक्रास ओनली। अगर आप सेक्स करना चाहती हैं तो अपने जैसे हाई वाइब्रेशनल पार्टनर के साथ ही करें, लेकिन मिलेगा कहाँ? आप अगर दोनों ही हाई वाइब्रेशनल में हैं तो सेक्स का तो जगह नहीं बचता। यस, सीरियसली सेक्स का जगह नहीं बचता। ट्विन फ्लेम से रीयूनाइट के बाद सेक्स के लिए जगह नहीं बचता। और अगर आप फिर भी शादीशुदा जिंदगी आपकी अगर है, छोटी उम्र है आपकी, अभी जस्ट मैरिड है, शुरुआत ही है आपकी जिंदगी की, आपको फिर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को भी तो देखना होगा। तो ऐसा नहीं कि आप रात दिन या इन सब चीज़ों में सेक्स में इंडल्ज रहें। सोच समझ कर कीजिए, हफ्ते में 15 दिन में एक बार ऐसा आप ज़रूर कर सकते हैं। इससे आगे आप लोग सब अपने अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ट्विन फ्लेम मैं ही नहीं, आप भी तो हैं, आप सब हैं। बस डिफरेंस थोड़ा सा आगे मैं आप लोगों को गाइड करने के लिए, मैं अपनी जर्नी को कंप्लीट करा गाइड करने के लिए, अब मैं आपको गाइड कर पा रही हूँ। इसीलिए आप लोग हमें भी, आप लोग सब एक एम्पैथ हैं, आप लोग सब जानते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं। आप लोग क्योंकि आपकी खुद की सोल आपको गाइड करती है। तो ऐसे में ये मेरा एक वीडियो था कि क्या सही है क्या गलत। हाँ, सब अगर आप हमेशा इंडल्स रहेंगे इन्हीं सब बातों में, इन्हीं सब चीज़ों में, तो मुश्किल है ये जर्नी कंप्लीट करना। तो यहीं पे एंड होता है ट्विन फ्लेम सेलिबेसी टॉपिक, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए या नहीं, यहीं पे एंड होता है ये टॉपिक। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको मैं थोड़ा सा गाइडेंस दे पाई हूँ इस सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि ये सब्जेक्ट में के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ इससे पहले भी, लेकिन ये सब्जेक्ट भी एक थोड़ा क्रूशियल और थोड़ा पर्सनल रहता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक कीजिएगा, अगर चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ना। आज के लिए इतना ही, अब इजाज़त चाहूँगी मैं आप सबका। बहुत बहुत खुश रहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। ढेर सारा आशीर्वाद आपको शिवा, मेरे लॉर्ड शिवा, आप सबके लॉर्ड शिवा आपको दे, आपको बख्शे। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय।